ओके, एक आईपीएल मैच मैं आपको याद दिलाती हूँ। आज रिसेंट आईपीएल का केकेआर वर्सेस गुजरात का मैच था एंड केकेआर को लास्ट 6 बॉल्स में 29 रन चाहिए थे टू विन द मैच एंड रिंकू सिंह हैड कम टू बैट। तो एक तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, लास्ट ओवर का प्रेशर है, इतने कम बॉल्स में इतने ज्यादा रन स्कोर करने, तो प्रैक्टिकली इट वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन यू नो हाउ द मैच टर्न आउट टू बी एट द एंड, केकेआर वन द मैच क्योंकि रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर के फर्स्ट 5 बॉल्स में 5 छक्के लगाए, 5 बॉल में 5 छक्के लगाए एंड विथ 1 बॉल पेंडिंग केकेआर वन द मैच। फिलहाल अपनी भी हालत कुछ ऐसी है ना, बहुत लंबा सिलेबस दिख रहा है, टाइम कम दिख रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लग रहा है एंड समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें क्या करें। यू नो रिंकू सिंह को जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था वो लास्ट ओवर में, तो उसने बस एक बात बताई कि मैं आउटकम का सोच ही नहीं रहा था, मैं बस ये सोच रहा था जैसे बॉल आ रही है आई जस्ट हैव टू हिट द बॉल। तो अपने को भी बस ये एनालॉजी अपनानी है अभी गाइज, आई हैव टू जस्ट हिट द बॉल। आपके पास चॉइस है गाइज, बैठो उसी कमरे में, किसी गिल्ट ट्रिप पे जाओ, काश अभी किया होता, काश अभी ये किया होता, या एक्चुअली उठो और पढ़ना शुरू करो। आई नो गाइज कि ये जो 10-12-13 दिन बचे दिस इज नॉट टू मच, बट दिस इज ऑल यू हैव गॉट नाउ। जो भी मैजिक करना है, मिराकल करना है, ये 10-12-13 दिन में करना है एंड हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू टेक इन चार्ज ऑफ एवरी सिंगल डे ऑफ द नेक्स्ट 12-13 डेज। अरे गाइज आप बोलो अभी काम क्या है अपने को, 6 घंटा सोना है, 15 मिनट लंच, 15 मिनट डिनर, 15 मिनट ब्रेकफास्ट, 15 मिनट नहाना, 1 घंटा ऊपर, 15-16 घंटे सरेंडर कर दो खुद को एंड फिर देखना अभी तक क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक रियलिस्टिक प्लान मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप ये नेक्स्ट 10-12 डेज में पढ़ाई करके इतनी शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ एक ही ग्रुप देना पड़ेगा। हियर मी आउट वेरी केयरफुली नाउ एंड चलो आपसे, चलो 15-16 घंटे पढ़ाई नहीं भी होती तो भी 10-12 घंटे पढ़ के भी अभी तक वॉट आर योर बेस्ट ऑप्शन। अगर अंदर से अभी तक वो आवाज आ रही है ना कि मैम प्लीज बता दो कि अभी तक कुछ करना है, अभी तक कुछ हो सकता है, तो आई एम रेडी टू पुट इन माई 100%। तो आपके लिए ये वीडियो है, मुझे ध्यान से सुनना, 100% अच्छे से सुनना। वैसे भी आपके पास चॉइस है कि वो 10-12 दिन उसी कमरे में बैठ के गिव अप का सोचो या वो 10-12 दिन एक एक सिंगल सेकंड यूटिलाइज करो, द चॉइस इज योर्स। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो और आपने अगर इस बार दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था, ठीक है, दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था, ड्यू टू सम रीजंस आपके अभी तक कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं हुई है, तो हियर मी आउट वेरी केयरफुली। अकाउंट्स के पेपर को बेटा अभी तक 2 हफ्ते बचे हैं, अगर आप दिन के लेट से 10-12 घंटे भी निकालते हो तो अभी तक यू हैव 170-180 आवर्स फॉर दैट सब्जेक्ट। तो वो एक पेपर को अगर प्रॉपरली निचोड़ लोगे, इतना अच्छे से परफेक्शन के साथ हो जाएगा 170-180 आवर्स में, तो उसमें एग्जेम्पशन अपन 100% एम कर सकते हैं। और जो दूसरा पेपर है एफएम इको का पेपर है वो 17th को है, तो 2nd को एक पेपर टारगेट करना है, 17th का एक पेपर टारगेट करना है, 15-15 दिन में एग्जेम्पशन क्यों नहीं ला सकते अपन गाइस। गाइस आई एम टेलिंग यू, एक एक सिंगल मिनट अगर आप यूटिलाइज करते हो, विल पावर है ना अंदर, तो आप कर सकते हो। मेरा भी वर्कशॉप चल रहा है गाइस, मैं कुछ अनरियलिस्टिक नहीं बता रही हूँ, लोग 5-5, 6-6 दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म कर पा रहे। आपको एग्जेम्पशन एम करना है तो 10-12 दिन आपके पास 15 दिन है एक सब्जेक्ट के लिए, तो गाइस आप क्यों नहीं कर सकते हो। एंड आप सोचो गाइस अभी अगर 15 दिन है आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए तो उसमें 2-3 रीडिंग्स भी कर सकते हो अभी तक आप। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट अबाउट पुटिंग इन द एफर्ट्स। तो 2 पेपर्स में अगर आपको एग्जेम्पशन मिल गए, नेक्स्ट टाइम आपको बस 4 पेपर्स देने हैं, तो टेक्निकली ओल्ड कोर्स के हिसाब से अगर आप एक ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देते तो 4 पेपर्स देते ना, तो अभी तक ये दोनों पेपर्स करके नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक ही ग्रुप देना है आपको, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो गाइस अभी मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ऐसा कुछ वर्कशॉप आप कंडक्ट कर रहे हो पता ही नहीं था, यू नो मी माई टीम आर गेटिंग कॉल्स कि मैम अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक कुछ कर सकते हैं क्या। तो स्पेसिफिकली फॉर यू गाइज आई एम कंडक्टिंग अ स्पेसिफिक एड ऑन सेशन टुमारो, दैट इज ऑन द 19th, जहां पे मैं आपके साथ प्रॉपर ब्लूप्रिंट शेयर करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से ये नेक्स्ट 12-13 डेज प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं, कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है, एग्जेम्पशंस कैसे स्कोर कर सकते हो अभी तक प्रॉपरली। अभी तक जो मैंने 3-4 सेशंस लिए हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, नेक्स्ट 2-3 सेशंस लाइव होने वाले हैं, आप लाइव आके मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप ये वीडियो लेट्स से 20th को देख रहे हो या 21st को देख रहे हो तो आप ये 19th वाला सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर्स जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2,500 रुपीज के आसपास है, यहाँ पे वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो गाइस जब एग्जेम्पशन एम करना है ना तो पेपर्स तो देने पड़ेंगे, तो ये पेपर्स देख के आप एक्चुअली आपका एग्जेम्पशन के चांसेस बढ़ा सकते हो, तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। अमेजिंग विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज, इतनी एक्टिविटीज लेते हैं जिससे यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो इस मोमेंट आके कुछ करना चाहते हैं, वो जज्बा है उनके अंदर। सो इवन यू वोंट फील लोनली कि मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, एंड वो एंथुसियाज्म इतना कंटेजियस होता है कि आप भी फिर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट, बहुत यूजफुल रहेगा। परसों मैंने एक 1.5 डे प्लानिंग का सेशन लिया था, वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो उसका।
बच्चे वर एंड एबल टू सिंक इन कि मैम डेढ़ दिन में ऐसे पढ़ाई हो सकती है, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो आप सोचो गाइस, दो पेपर में एग्जेम्पशन एम कर लिया, दो पेपर में सपोज ये 1.5 डे प्लानिंग इंप्लीमेंट करके आपको 40s में आ गए तो पूरा ग्रुप क्लियर हो सकता है। लक बाय चांस यू नेवर नो, दो पेपर में एग्जेम्पशन तो आ ही जाएगा। सपोज आपने दोनों सेकंड ग्रुप का फॉर्म भरा हुआ है, अभी सपोज सेकंड ग्रुप का फॉर्म भरा हुआ है, तो गाइस अगर आपका एक दो पेपर हो चुका है तो 100% मैं बोलूंगी 100% आप पूरा ही ग्रुप दो। लेकिन सपोज आपका कुछ ही नहीं हुआ है अभी तक, तो अभी तक एडवांस्ड अकाउंट्स का पेपर 10 तारीख को है, FMECO का पेपर 17 तारीख को है, तो अभी तक आप दोनों पेपर्स को 15-15 दिन देके अभी तक ये दोनों पेपर्स में एग्जेम्पशन एम कर सकते हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिर्फ 4 पेपर्स देने पड़ेंगे। सो इट्स अ प्रीटी डिसेंट डील, टाइम इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन एम कर सकते हो। और अगर सिर्फ लेट्स से फर्स्ट ग्रुप का फॉर्म भरा है, आई अज्यूम कि एक पेपर तो पढ़ाई की होगी, वो एक पेपर को सॉलिडिफाई करो एंड जो पहला पेपर है अकाउंट्स उसको अगला हफ्ता दो एंड दो पेपर्स में एग्जेम्पशन आ गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 4 पेपर्स देने पड़े। तो गाइस इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग डील फॉर यू, इट इज जस्ट कि अभी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स, बोथ द ग्रुप्स का फॉर्म भरा है तो फर्स्ट पेपर SFM दे दो, उसके बाद लास्ट पेपर है IDT, 15 दिन का गैप है बीच में, दो पेपर्स एग्जेम्पशन एम कर लिया, 15-15 दिन पढ़ के एग्जेम्पशन एम कर लिया, या तो फिर इलेक्टिव है यार अपने पास, ओपन बुक पेपर है उसमें एग्जेम्पशन एम कर सकते हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 ही पेपर्स देने पड़ेंगे। फिर सेकंड ग्रुप का फॉर्म भरा है तो इलेक्टिव और IDT, उसके IDT के लिए तो एक महीना है गाइस, अभी तक एक महीने में IDT प्रॉपरली पढ़ सकते हो, इलेक्टिवली रेगुलरली 3-3 घंटे पढ़ते रहो इलेक्टिव का, उसमें एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का फॉर्म भरा है, लेट्स से आई अज्यूम कि एक पेपर पढ़ा होगा अभी तक, एक पेपर को सॉलिडिफाई करो एंड फर्स्ट पेपर SFM दो हफ्ता है उसके लिए, तो अभी तक हो सकता है गाइस, लेट्स टेक आउट समथिंग आउट ऑफ दिस अटेम्प्ट फॉर आर नॉट फॉर अस, फॉर आर पेरेंट्स एटलीस्ट, कि वो रिजल्ट के दिन उनकी आंखों में कुछ तो खुशी हो, लेट्स गिव समथिंग टू देम, आपके अंदर थोड़ी तो सेल्फ एस्टीम रहे फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, आपके अंदर वो मोटिवेशन रहे। गाइस कभी भी ना ये बात ध्यान में रखना, एक एग्जेम्पशन की वजह से पूरे ग्रुप का प्रेशर कम हो जाता है, ऑलरेडी नया कोर्स है, वो दो पेपर्स अच्छे से पढ़ाई करो ना, फिर एक पेपर के एग्जेम्पशन की वजह से आपका बहुत लोड कम हो जाएगा। डू दिस फॉर योर पेरेंट्स, डू दिस फॉर द पीपल हु सेड कि आप नहीं कर सकते हो, डू दिस फॉर योर ओन सेल्फ। बस उठो यार, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम रेडी टू गिव माय लास्ट बेस्ट शॉट इन द अपकमिंग 10-12 डेज एंड आई एम रेडी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन द अपकमिंग 10-12 डेज। आई एम टेलिंग यू, टेबल्स कैन टर्न इन योर फेवर, बस देरी है तो वो बुक हाथ में उठाने की, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल डू दैट इन द डेज टू कम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियो चैनल पे लाइंड अप है गाइस, आई एम गोइंग टू बी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बाय योर साइड थ्रू आउट दिस जर्नी, बस मुझे आपके साइड से आपका कमिटमेंट चाहिए, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, जस्ट एक्ट क्रेजी, क्रेजी होके पागलपन के साथ पढ़ाई करनी है, एंड आई एम telling you history is in making, your success story is in making. Also, I have got one amazing update for you. Jaise ki see guys, we have decided ki apne ko 2-3 paper mein exemption aim karna hai. And still if you feel ki mere concepts agar clear nahi hai and I need to watch the lectures of these particular classes, to aapke liye ek amazing news hai. Unacademy ka 7-day free trial subscription chal raha hai. Unacademy ka subscription aap 7 din ke liye absolutely free of cost avail kar sakte ho. Lekin today is the last date. Today is the last date when you can avail this subscription for absolutely free of cost. Niche डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रही हूं, यू कैन गो चेक इट आउट, सिंपल है, आपको बस लॉगिन करना है, आपको OTP आएगा एंड यू कैन अवेल दिस सब्सक्रिप्शन, जस्ट यूज दिस कोड RCH10 एंड अब फ्री में नेक्स्ट 7 डेज के लिए अनअकैडमी पे क्लासेस देख सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि गाइड सी अगर अपने को एग्जेम्पशन एम करना है ना, तो दिस इज द टाइम टू गेट द क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट्स एज वेल, बिकॉज ये जो सब क्लासेस है टॉप एजुकेटर्स लेते हैं, लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ है अनअकैडमी पे, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोचिंग नीड्स। बस आज लास्ट डेट है तो हरी अप, एनरोल योरसेल्फ ASAP एंड आई विल सी यू सुपर सून, विश यू All the best.